तो यार देखो, जब हम हमारे ड्रीम कॉलेज के लिए ड्रॉप लेने का सोचते हैं या ड्रॉप ले भी चुके होते हैं, उसके कुछ टाइम बाद ना हमारे अंदर एक बड़ी गिल्ट इकट्ठी होने चालू होती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, फैमिली का प्रेशर होना, फैमिली के आगे शर्म आना, दोस्तों की जो कॉलेज स्टोरीज हैं उनको सुन के जेलसी इकट्ठा होना, या फिर एक इन जनरल सेल्फ डाउट आना अपने ऊपर कि यार मेरे से फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ, अब ये सेकेंड अटैम्प्ट में क्या ही कर लूँगा, मुझसे होगा भी या नहीं होगा। देखो आज इस वीडियो में ना मैं तुम्हारा सारा सेल्फ डाउट किल कर दूंगा, तो जरा एंड तक देख लेना आराम से। तो यार देखो, मैं इस सारी प्रॉब्लम का सलूशन ना तुम्हें एक स्टोरी सुना के देता हूँ जो मेरे साथ खुद हुई थी। जब मैं क्लास 12th में था ना, मेरे अच्छे नंबर आ गए थे, मेरा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो गया था। बट 6 महीने बाद ना मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार मैंने जोश जोश में आके अपने 12th के नंबर देख के, SRCC का ब्रांड नेम देख के और इससे जुड़ी हुई फेम देख के ज्वाइन तो कर लिया है कॉलेज, बट ये कोर्स जो है ना ये मेरे लिए नहीं है। कॉलेज बहुत अच्छा है बट BCOM ऑनर्स मुझे नहीं करनी है। मेरा शुरू से ड्रीम, बचपन से ड्रीम था कि मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर रिलेटेड, टेक्निकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी फील्ड में जाके घुसूं। बट भाई जो जोश में उस टाइम नंबर देख के घुस गए SRCC में। तो 6 महीने बाद मैंने भाई फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, मैं यहाँ से जाऊँगा कहीं और, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करने। अब देखो, तुम्हारा ड्रॉप लेने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, मेरा रीज़न अलग था, तुम्हारा कोई और रीज़न हो सकता है कि तुम्हें इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला, इस वजह से तुम अपनी मेहनत करना चाहते हो अब एक बेहतर कॉलेज के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए। बट पॉइंट जरा सुन के रिलेट करना, मेरे पास भी वही डाउट्स आए जो तुम लोगों के पास आते हैं। फैमिली का प्रेशर कि भाई क्यों ड्रॉप ले रहे हो, जो मिला है उसी से कंटिन्यू कर लो ना, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, तुम्हें तो कॉलेज भी अच्छा मिला है, लोगों को तो कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, आसपास के लोग मुझे जज करते थे, दोस्त जज करते थे, आसपास के लोग मुझे बार बार आके समझाते थे कि भाई क्या जरूरत है तुमको ड्रॉप लेने की, क्यों बेवकूफ वाला डिसीजन ले रहा है। और मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा था कि लोग, आसपास वाले मेरे को बहुत गलत तरीके से देखने लग गए मेरे ड्रॉप के डिसीजन की वजह से। बट मैं बिल्कुल क्लियर था कि भाई मैं ड्रॉप लूंगा और मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही करूंगा अगर मैंने ड्रॉप लिया तो। अब ये क्लैरिटी मेरे को क्यों थी, मैं तुमसे वो शेयर करता हूं और तुम्हें भी बहुत तगड़ी क्लैरिटी मिलेगी। ये क्लैरिटी मुझे सिंपल इस वजह से थी क्योंकि मैं हमेशा बचपन से लॉन्ग टर्म विजन में विश्वास करता हूं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता हूं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोचता। मतलब क्या है, देखो मुझे पता था मेरा 1 साल वेस्ट हो रहा है, मुझे ये भी पता था उस टाइम मेरी फैमिली की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली, उन्हें जल्द से जल्द मेरी इनकम की जरूरत थी, एंड ये ड्रॉप लेके मैं कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल जो गेन्स थे उनको हर्ट कर रहा था एंड कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा था। दोनों चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता थी बट स्टिल मैंने ड्रॉप लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई इंडिया में एवरेज एज 60+ है, आप 60-70 साल से ज्यादा रहने वाले हो इस धरती पर। आज आपका वो 1 साल नुकसान दिया हुआ ना, आपके आने वाले अगले 30-40-50 साल जिस करियर से आप खाने वाले हो उसमें आपको इजाफा देगा। मैंने यही सोच के ड्रॉप लिया कि भाई आज मैं 1 साल वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं आगे जाके पूरे 30-40 साल जो उखाड़ूंगा ना, वो 1 साल कुछ भी नहीं दिखेगा उस सब के आगे। मैंने अपनी फैमिली को भी यही कन्विंस किया कि यार मम्मी पापा देखो, मेरे को पता है फाइनेंशियल बहुत दिक्कत है घर में, पर मुझे 1 साल का पीरियड दे दो, 1 साल आपको और नुकसान लेना पड़ेगा, 1 साल मेरा थोड़ा सा आपको खर्चा और उठाना पड़ेगा, बट जब मैं पास आउट होके निकलूंगा अपने कॉलेज से तो मैं आपको सब कुछ पे बैक कर दूंगा और मैं फैमिली की कंडीशन सारी सुधार दूंगा। एंड अल्टीमेटली यही हुआ। अगर मैं वो ड्रॉप 1 साल का नहीं लेता SRCC, मैं सुखदेव नहीं जाता एंड वो जो मुझे 1 साल का बफर पीरियड मिला उसकी वजह से मैं एडटेक में घुस पाया। आज यूट्यूब चैनल है तुम लोगों के आगे, पढ़ा रहे हैं, बहुत तगड़े हर साल रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, CUET के टॉपर्स हो गए, चाहे IPMAT के टॉपर्स हो गए, एंड मैं अपने लिए फाइनेंशियली भी अच्छा कर रहा हूं, अपनी फैमिली के सारे मैंने डेट्स चुकाए हैं, उनको एक फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में लाके खड़ा भी करा है। अगर मैं ये ड्रॉप नहीं लेता ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेरे भाई मेरे बहन, एक बात दिमाग में रखना, तुम्हें दिख रहा होगा शायद फैमिली तुम्हारी परेशानी जूझ रही है, तुम्हें दोस्त तुम्हारे जज कर रहे, कुछ भी है भाई, तुम अगर अपनी लॉन्ग टर्म विजन में विश्वास रखते हो ना, तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। शॉर्ट टर्म में कौन क्या कह रहा है, तुम्हें क्या सफरिंग हो रही है, वो मत ध्यान दो, हमेशा देखो लॉन्ग टर्म में तुम कहाँ सक्सेस होगे। और एक ही बात याद रखना, मैं बड़ा एक टाइम ना एक लाइफ में बड़े टाइम पे परेशान था चीज़ों को लेकर। मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बताई कि बेटा, मैंने आज ही ये बात पढ़ी है कि ताजमहल को बनाने में ना लगभग 22 साल लगे थे पूरा,
और एक घर बनाने में ना 1 साल लगता है ऑलमोस्ट। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम ताजमहल बनाओगे या तुम एक घर बनाओगे। तो भाई यही आपका करियर है, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, जितना क्वालिटी एजुकेशन के टुवर्ड्स टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, उतने ही तुम्हें तगड़े रिटर्न्स मिलेंगे और ज़िंदगी भर वो रिटर्न्स तुम लेते रहोगे। तो कभी भी ना ये देख के मत परेशान हो कि तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, वो क्या मज़े कर रहा है, वो क्या अपने करियर में उखाड़ रहा है। अगर तुम अपनी मेहनत, प्रोवाइडेड ये नहीं कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम अपनी मेहनत एडिक्वेट वे में प्रॉपर तरीके से कर रहे हो ना, तो भाई अपने दोस्त से जलना बंद कर दो, तुम्हें भी वो चीज़ें मिलेंगी जो शायद वो इंसान इंजॉय कर रहा है। एंड इसमें भी एक चीज़ बोल दूँ, आप अपने मन में ये फीलिंग मत लाना कि मैं अपने दोस्त को दिखाऊंगा, एक बार मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए मैं उसे जलाऊंगा, मैं ऐसे मजे करके दिखाऊंगा। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, आप अपने दोस्त की खुशी में भी खुश हो, वो अगर लाइफ में इंजॉय कर रहा है उसको देख के आप खुश हो, उसको सेलिब्रेट करो, बट अपने टाइम का भी वेट करो, अपने टाइम के लिए मेहनत करो। और जब तुम डेली मेहनत करोगे ना, तुम्हारा टाइम ज़रूर आएगा और तुम भी कुछ उखाड़ोगे। एंड रही बात तुम्हारे सेल्फ डाउट की कि क्या होगा नहीं होगा, और अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए ये बात तो नहीं कहूँगा कि भाई तुम मेहनत करो तुम्हारा ऐसा सीसी या आई एम इंदौर 100% होगा ही होगा, ठीक है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पर मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुम आज दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हें कोई ना कोई अच्छी जगह मिलेगी। एंड मैं प्रे करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज ही मिल जाए, पर मेहनत इंसान की जो डेली करता है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाती, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा अगर आज आप एज अ ड्रॉपर या पार्शल ड्रॉपर दिन रात मेहनत कर रहे हो। एंड एक चीज़ बस फाइनल नोट पे कहूँगा ख़त्म करते हुए, अगर आप सही तरीके से और सही जगह पे मेहनत करना चाहते हो अपने एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, हमारा ड्रॉपर्स का बैच अवेलेबल है, आप हमारे साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और हमारे साथ अगर आप अपनी पढ़ाई करोगे तो आप अपने आप को उन टॉपर्स की लिस्ट में डाल सकते हो जो हमने ओवर द ईयर्स जनरेट किया है, चाहे CUET की AR1 हो 2022 में, चाहे श्रेयस जैन जैसा बच्चा हो जिसके 4 सब्जेक्ट में 100% आए हैं, 20 बच्चों को हमने SRCC पहुंचाया, 20 बच्चों को सुखदेव पहुंचाया है, IIM इंदौर, IIM रोहतक और सारे IP मैट्स, जिप मैट, इन सब जगहों पे ऑलमोस्ट ऑल 50 स्टूडेंट्स। तो आपको ऐसे रिजल्ट्स बनाने हैं। एंड ये सब हमने कैसे अचीव किया है, हमारे सारे फीचर्स के थ्रू, अच्छे लेक्चर्स, बेस्ट मॉक्स, बेस्ट बुक्स, भयंकर प्रैक्टिस मटेरियल एंड डाउट सपोर्ट एंड मेंटरशिप के थ्रू। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नीचे पिन कमेंट में आपको हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स मिल जाएंगी, जाओ सारी डिटेल्स लो। और अगर तुम्हें पसंद आए तो मनी बैक पीरियड भी है, आप उसको इन्जॉय करो कोर्स को, और मैं श्योर हूँ आपको पसंद आएगा। और नहीं आया तो हम इतनी गारंटी से कह रहे हैं तुम पैसे वापस ले जाना, ठीक है। तो अगर और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, जानना हो, तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।